अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज सारा दिन बहुत तारीफ़ होती रही कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बॉसी तरीके से सबको एक डिसिप्लिन सिखाया कि सुबह 8 बजे से काम करना शुरू करना है, एक छुट्टी भी ख़त्म कर दी, तनख्वाह में भी इजाफे का ऐलान किया। तो आज का पहला दिन तो हमने उनकी बहुत तारीफ़ें सुनी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस गवर्नमेंट को के ज़िम्मे आते हैं, वो इनको कैसे मैनेज करेंगे। आज हमने देखा कि PMLN की मौशी टीम की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कि इतनी इनकरेजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। उसमें जो बातें की गई आपसे शेयर करती हूँ कि इस वक्त हुकूमत का बजट का सारा 5,600 अरब रुपये का, उनका ये भी कहना था कि साबिक हुकूमत ने 4,000 अरब का फिगर दिया था जो कि बेहतर नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि हम मायूसी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें बताना ज़रूरी है। ये तकरीबन वही बात है जो हम पिछली हुकूमत में भी सुनते थे। आप एक दावा करते हैं, आप एक ऐलान करते हैं, आप एक मैनेजमेंट की पावर शो करते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आते हैं काम करने के लिए तो आप ये कहते हैं कि जी एक बर्डन साबिका हुकूमत छोड़ के गई है, अभी हमें कुछ वक्त लगेगा इस पर काम करने के लिए। उनका ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ ने बड़े इंतहाई गंभीर मसाइल छोड़ के गए हैं और इस वक्त महंगाई की शरह 13% है और इसके अलावा जो मौशी मसाइल है उनको किस तरह से हल करेगी शहबाज शरीफ की क़यादत। इशफाक़ तोला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं। इशफाक साहब, आप बताइएगा कि ये जिस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे आपको कॉन्फिडेंस कैसा लगा इस मौशी टीम का, और आपको लगता है कि ये जो एक दौरानिया उनके पास, इसमें वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग शो। देखिए, मैंने पहले भी हमेशा मैं कहता रहता हूँ और आप भी ये कहूँगा कि सियासी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है वो माशी इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देती है। और आप जब भी, अगर आप सुकून के साथ होंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होगा आप पे, और जब इन्वेस्टमेंट आएगी आप पे, तो ये सारी इनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला ये है कि जो भी हुकूमत आती है वो जाने वालों पे ब्लेम करेगी और आने वाले हमेशा जाने वालों पे ब्लेम करेंगे, और जाने वाले ये कहेंगे हम अच्छा छोड़ दिए। तो मगर हकायक को अगर मैं देखता हूँ तो वो ये अक्कासी दे रहे हैं मुझे इस बात की कि देखें, अगर इस किस्म की रविश ये रही और ये जो फिगर मिस्टर इस्माइल साहब ने आज जो बताए हैं, और 5600 अरब का अगर डेफिसिट है जो कि ऑलमोस्ट 11% आपका हो जाता है आपके GDP का, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा मसला होगा पाकिस्तान के लिए, और मैं नहीं समझता हूँ कि इसको हल करना इतना आसान। ठीक है, ये भी बताइएगा कि जो आपने डॉलर के नीचे आने की बात कही है, डॉलर के नीचे आना और रुपए की कदर में बढ़ने को हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा भी दूसरे भी फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो डॉलर नीचे आया तकरीबन 182 पे अब आया है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को आप इसमें ज़्यादा क्रेडिट देंगी या बाकी भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं? देखिए, दो फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला तो एक पीस ऑफ माइंड अगर आता है किसी के पास कि यार अब मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, तो वो अल्टरनेटिव एवेन्यू देखता है, जैसे कोई स्टॉक मार्केट में जाएगा, कोई रियल एस्टेट में जाएगा, कोई कमोडिटी ट्रेडिंग करेगा, कोई इंडस्ट्री में जाएगा। अगर आप स्पेकुलेटिव माइंड के साथ बैठते हैं और अगर आपको लगता है कि मेरे करेंसी मजीद डीवैल्यू होगी, जैसे डॉलर के बारे में ये कहा जाता था कि शायद ये 200 रुपए क्रॉस कर जाएगा, और हमें मिसालें दी जाती थी श्रीलंका की कि जी वहां देखिए 200 से 300 रुपए चंद दिनों में चला गया, बिकॉज के उनके और हमारे मसाइल बराबर है। मैंने एक उस पर आर्टिकल लिखा था कुछ 2 हफ्ते पहले, उसमें मैंने ये वाजे किया था कि ठीक है हालात हमारे भी खराब है मगर इतने खराब नहीं जितने श्रीलंका के थे। मगर मसला ये है कि डॉलर में जो सबसे बड़े दो इशू होते हैं जो पहले भी एड्रेस की थी नून लीग की हुकूमत ने जब वो आए थे, वो सबसे पहला आपका मसला होता है सट्टेबाजी का। आपकी मार्केट बहुत छोटी है और स्पेकुलेटर का ध्यान जब उस तरफ आता है, और जब आपकी पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ी है तो लोगों के पास पैसा बहुत बड़ा हुआ है, वो जब बाइंग कर लेते हैं और जब होल्डिंग करके रोक लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सप्लाई जो होती है डॉलर की वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली रेट बढ़ जाएगी, आपकी डिमांड ज्यादा होगी। दूसरा ये होता है कि जो एक्सपोर्टर आपका होता है वहां पर उनकी जो LCs की जो आप कहते हैं ना, जो डिफरेंसेस या जो आते हैं इसकी जो मेच्योरिटी आती है उसमें डिस्क्रिपेंसी लग के काफी हद तक रह जाती है बात, और वो अपनी मर्जी से पैसे लेके आते हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कितना डी वैल्यू होगा। अब जब उनको लगा कि जी कोई स्टेबिलिटी आ रही है और जब वो नीचे हो जाएगी, तो इस वक्त उन्होंने लाने पैसे शुरू किए
और मेरी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपका जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रिसेंट इंडेक्स मैंने नहीं देखा, वह मेरे हिसाब से 172-173 के दरमियान होगा। तो अगर हम इफेक्टिवली स्पीकिंग अगर उस रेट पे भी चले हैं तो मेरा ख्याल है 172-173 या 174 पे रुपी होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ 170 के करीब एंड में होगा। ठीक, इशफाक साहब ये भी बताइएगा कि ये जो दौरानी है तकरीबन 1.5 ईयर का, अगर इसको भी मुकम्मल किया जाए और इंटरिम गवर्नमेंट का जो अख्तियार है वो डिस्कस किया जाए कि वो सिर्फ 4 माह का बजट दे सकते हैं, तो आपके ख्याल में इनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कम से कम वक्त में? अगर कम से कम वक्त हो क़यादत के पास तो मौशी सूरत हाल में वो कौन सा ऐसा नुक्ता है जिस पर उनकी तवज्जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इस वक्त? देखिए, 3 महीने के लिए तो कोई नुकता तवज्जा नहीं होता, वो तो सिर्फ फायर फाइटिंग ही करनी पड़ेगी आप, उसमें इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपको अगर पता होगा, मैं ये समझ रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ सुबह से डिफरेंट चैनल पे कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है IMF भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हुई होगी इस गवर्नमेंट के बाद, क्योंकि उन्होंने पिछला प्रोग्राम कम्प्लीट किया था इनका और उस वक्त भी 17 वेवर लिए गए थे। तो उसके मतलब ये हुआ जो मुझे नजर आ रहा है, देख पा रहा हूँ, वो यही होगा कि इनको काफी हद तक हेल्प मिलेगी, और दूसरा चाइना भी ये जा रहे हैं। तो अब ये देखते हैं रोल आउट कैसे करते हैं, और मैं अगर ये समझता हूँ अगर इनकी रोल आउट सही से हो गई एंड इफ दे विल मैनेज एंड इफ दे कैन मैनेज, तो ये पूरा 1.5 साल खींचेंगे, ये इतना आसानी से नहीं जाएंगे मुझे जो लग रहा है। बट आप वल्लाह में सवाल, क्योंकि लगता तो यही है कि जो हालात जो हमें जमीनी हकायक बताते हैं कि अगर फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो फिर वही मसाइल खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है इशफाक तोला साहब, ये बताइएगा कि ये जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, ये इसको खुद मुख्तार करवा पाएंगे? खुद मुख्तार, देखिए खुद मुख्तारी एक अच्छी चीज है मगर एक हद तक होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए कि आप किस हद तक किस इदारे को खुद मुख्तार कर सकते हैं। अब आप देखें पिछले दिनों की मैं मिसाल देता हूँ, गवर्नमेंट अब बैंकों से लोन नहीं ले सकती। आज आपको पॉलिसी रेट इसलिए बढ़ाना पड़ा कि बैंकों ने आपके टी बिल में पार्टिसिपेट नहीं किया, और उन्होंने ये जब काइबोर का जो रेट आता था वो ज्यादा आया, टी बिल का रेट बहुत कम हो जाता था, काइबोर का रेट बहुत ज्यादा था। जब काइबोर पे गवर्नमेंट उठानी जाती थी तो स्टेट बैंक को पंप करने पड़ते थे आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, और वही गवर्नमेंट बोरो बैक करती थी। तो जो स्टेट बैंक के मार्जिन की बजाय हम बैंकों को मार्जिन दे रहे हैं वो आपकी महंगाई में इजाफा करता है। तो वो उस हद तक मैं एग्री नहीं करता कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो स्टेट बैंक से बोरो कर। दूसरी बात ये है कि हाँ, आप जहां तक ये देखते हैं कि अगर आप मैनेज करते हैं पॉलिसी रेट को या मैनेज करते हैं आप करेंसी को, तो उसमें एक महदूद इख्तियार होना चाहिए गवर्नमेंट का भी, ताकि अगर आपके पास कोई अगर इमरजेंसी हो तो उसमें आप वो पावर को एक्सरसाइज करें। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया इशफाक तोला साहब, हमें ज्वाइन कर रहे थे और हम ये बात कर रहे थे कि आने वाले वक्त में मौशी तौर पे शहबाज शरीफ की मौशी टीम को क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या वो तैयारी के साथ आए हैं, या वही रवायती बयानात तो हमने सुने हैं लेकिन चैलेंजेस अपनी जगह पे खड़े हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नैब के बारे में बात करेंगे कि क्या नैब वाकई डिसॉल्व हो सकता है, और अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो उसका मुतबादल क्या है, फिर ये गवर्नमेंट एहतसाब कैसे करेगी और क्या इनका कंसेंसस हो जाएगा नैब चेयरमैन के ऊपर। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। खुशामदीद नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है एक्स प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक साहब ने। इमरान साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो आज कहा है खाका नवासी साहब ने कि नैब को डिसॉल्व कर दें और फिर जो लोग गैर कानूनी तौर पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते रहें उनके अंदर से भी, नैब के अंदर से भी, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, ये क्या ये मुमकिन हो पाएगा और उसको डिसॉल्व करना इतना आसान है, और इसका मुतबादल क्या होगा इनके पास? जी बतूल, नैब
को डिसॉल्व करने की हद तक तो एक मुझे शायद हकान अबासी साहब की जो बात है वो थोड़ी सी जल्दबाजी में लगती है। नैब बेसिकली इंटरनेशनल एक कन्वेंशन है अकोमतदा का, जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, वो उसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है और वो ये करार देता है कि हर मुल्क अपने निज़ाम के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का एक इदारा रखेगा जो हुकूमती लेवल की जो करप्शन है बड़े पैमाने पर मेगा करप्शन है उसको डील करेगा। और उस कन्वेंशन के तहत जो है जो इदारा बनेगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो इंटेग्रिटी वाला होगा और वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट यानी अकाउंटेबल भी होगा। तो नैब उसी तनाजुर में एक इदारा बना था। ये बात बहरहाल शायद हकान अबासी साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि नैब में जो पिछले 20 सालों में जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की आला अदलिया ने मुतअद्दिद फैसलों में लिखा है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल रहा है और नैब ने ओप्रेसिव अंदाज में, और ये बात भी एक बड़ी हकीकत है कि नैब ने पाकिस्तान में बिजनेस को भी माशी तौर पर भी पाकिस्तान को नुकसान भी दिया है। और जो नैब से तौकोआत थी करप्शन को खत्म करने की, यकीनन एक थोड़ी सी डेटरस जरूर क्रिएट रही, नैब का एक डर और खौफ तो रहा लेकिन वो डर और खौफ करप्शन से खत्म करने के हवाले से नहीं रहा बल्कि नैब के ओप्रेसिव जो एक जालमाना और जाबराना अंदाज है उसके हवाले से डर और खौफ रहा कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां करेगा। इसके साथ अब क्या सलूक क्या किया जा सकता है नैब के साथ? देखें, बहरहाल पाकिस्तान ने जो अपनी बैन अल-अक़वामी जो जिम्मेदारियां उसके तहत एक इदारा तो अकाउंटेबिलिटी का बनाना है, रखना है, वो तो मुल्क की जरूरत है। करप्शन एक हकीकत है, उस करप्शन को, करप्शन पाकिस्तान करप्शन में बड़े अवाइल नंबर में है, आप सब जानते हैं, तो इसलिए करप्शन तो पाकिस्तान में हो रही है, उसको रोकना है और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इदारे की जरूरत है। लेकिन क्या नैब उसके लिए नागुजीर है? तो मैं ये समझता हूँ कि नैब बहरहाल इसके लिए नागुजीर नहीं है। दो रास्ते हो सकते हैं इस नैब में, या तो नैब की ओवरहॉलिंग करें, मुकम्मल रिफॉर्म्स करें, और नैब जिस एक डिक्टेटर के दौर में जब बना है तो वो वन मैन शो है, यानी चेयरमैन नैब है जो तमाम इख्तियारात का मंबा है और चेयरमैन नैब जब किसी पर हाथ रख दे तो फिर वो उसको पाकिस्तान की अदालतों से जमानत। बात तो कोर्ट की तरफ से भी है कि वो किस तरीके से पॉलिटिकली विक्टिमाइज करता रहा, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जब ये तरमीमी बिल पास हुआ और उसमें सदर को जो इख्तियार दिए गए, वो पार्लिमानी कमेटी के हवाले से भी उन्हें इख्तियार दिए गए, सिफारिशात के हवाले से भी दिए गए, ये जो सदर का रोल है जिसको पॉलिटिकल कर दिया गया, इसको निकाल दिया जाएगा मुकम्मल तौर पे? अगर नैब रहता भी है तो क्या सदर का जो किरदार है उसको निकाल दिया जाएगा? वो बतूल पाकिस्तान, ये जो नैब के सदर के जो इख्तियार है ना, वो तो चेयरमैन नैब को सिर्फ माजूल करने की हद तक ऐड किए गए हैं कि चेयरमैन नैब को सदर जब चाहे माजूल कर दे, लेकिन ये तो अभी आए हैं इख्तियार, दो महीने पहले, तीन महीने पहले जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें आई हैं। आप जरा 20 साल पहले की हिस्ट्री देखें, उस वक्त तक तो चेयरमैन नैब को सदर डिसॉल्व नहीं कर सकता था, तो लेकिन वो 20-22 साल से 99 से लेकर अभी तक नैब क्या करता रहा? तो ये सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने का था सदर का इख्तियार, लेकिन फिर बड़ा पावरफुल इख्तियार दे दिया गया, तो ये आप समझते हैं कि ये अब इसे कंटिन्यू कर, इस इख्तियार को कंटिन्यू करेंगे? नहीं नहीं, ये तो इख्तियारात जो सदर का जो चेयरमैन नैब को माजूल करने के इख्तियार है जो अभी इस ऑर्डिनेंस के लिए है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से लेके इनको दे दिया गया, इसको भी खत्म करेंगे? वो अभी खत्म हो जाएगा, ऑलरेडी खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑर्डिनेंस खत्म हो रहा है 5 या 6 मई को, उसकी ये ऑर्डिनेंस 2 दफा एक्सटेंड हुआ है और ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो 120 दिन उसकी मुदत हुआ करती है और अगर एक्सटेंशन हो जाए तो फिर दोबारा 120 दिन के लिए चल सकता है। ये ऑर्डिनेंस 2 दफा एक्सटेंड हो चुका है, जो नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस था जो पिछली हुकूमत लेकर आई थी इमरान खान साहब, तो अब ये खत्म हो रहा है ऑर्डिनेंस 4-5 गालबन उसकी डेट बनती है मई को, तो उसके बाद तो ये ऑर्डिनेंस वैसे ही बाकी नहीं रहेगा और पहले वाली जो पोजीशन थी वो रिवर्ट हो जाएगी, वो वापस अपनी जगह पर नैब ऑर्डिनेंस वापस आ जाएगा। तो इसलिए ये अब ये ज्यादा अहमियत का हमें सवाल रह ही नहीं गया कि इख्तियार कोई वापस करेगा या नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली जब ये ऑर्डिनेंस लैप्स करेगा, तो अगर इसको पार्लियामेंट ने मंजूर ना किया इस ऑर्डिनेंस को और पार्लियामान ने इसको तौसीक ना की, एक एक्ट बिल, एक एक्ट के तौर पर ये पाकिस्तान में मुतारिफ ना हुआ, तो ये अपनी मौत आप मर जाएगा। इसलिए तो ये फिर इसका मतलब है कि फिर तो ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराजात खत्म हो जाएंगे। अगर ये एतराजात खत्म हो जाएंगे तो फिर नैब में रिफॉर्म्स करके और नए इसके उसको रिवाइव करके दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो एतराजात है ना, वो ये नहीं है कि चेयरमैन नैब को सदर माजूल कर सकता या नहीं कर सकता, जो मैं समझ पाया हूँ वो उनके नैब के ओवरऑल पूरे सिस्टम पर ही एतराजात हैं और वो यकीनन हर कंसर्न्ड पाकिस्तानी को हैं कि नैब को किस तरह की इख्तियारात होनी चाहिए, केसों की पिक एंड चूज,
का इख्तियार नैब को, नैब किस तरह के केसेस को लेगा जहां पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अमल दखल ना हो। देखिए ना, अब ये नैब, ये पार्लियामान के सोचने का काम है कि नैब का ये जो तजर्बा है हमारा दो दहाइयों का, यकीनन ये एक इदारे की शक्ल में आगे बढ़ाया, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका है। और ये भी एक हकीकत है कि हर इदारा पाकिस्तान में कोई, यानी पार्लियामान खुद उस पर एतराजात रहते हैं, वो भी कोई अप टू द मार्क नहीं है। आप देखते हैं कि लोग वफादारियां भी तब्दील करते हैं, सारी जो बुराइयां हैं जो आम माशरे में पाई जाती हैं वो हमारे पार्लियामान के इदारों में भी पाई जाती हैं। जुडिशरी के हवाले से भी इतराजात उठते हैं, सबके हवाले से हैं। तो नैब को भी इसी पहलू से देखना चाहिए, लेकिन लेकिन नैब को इतना शुतरे बेमहार छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये लॉ जो बना था मुशर्रफ दौर में, ये बना ही इस अंदाज में गया था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए चेयरमैन नैब को खुले इख्तियारात हासिल हों। बहरहाल उन इख्तियारात पर कदगन होना जरूरी है और उन इख्तियारात को इंस्टीट्यूशनलाइज करना बहुत जरूरी है। फर्द वाहिद से छीन कर लेकर इख्तियारात एक इंस्टीट्यूशन को देने की बहुत जरूरत है, एक कमीशन बनने की जरूरत है। एहतसाब का अमल तो चलना है, इससे तो छुटकारा मुमकिन नहीं है, ये होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है जो पाकिस्तान ने फुलफिल करनी है। हाँ जी, ये तो अगर इसको डिसॉल्व करना पड़ता है तो फिर क्या तरीका कार होगा और कितना वक्त है, कितना वक्त लगता है? देखें, ये इसको डिसॉल्व कोई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत खत्म नहीं किया जा सकता। ये नैब ऑर्डिनेंस के तहत बना है, इसको पार्लियामान ही खत्म कर सकता है। पार्लियामान ने ये कानून बनाया है, इस इदारे को खत्म करना, नया इदारा बनाना, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी के साथ एक कानून बनाना है और उस कानून के जरिए ये इस इदारे में जो भी रिफॉर्म्स होंगी, इसका नाम तब्दील करें, इसके डेजिग्नेशन लोगों के तब्दील करें, इसमें अफराद जो भी करना है, आपने इसकी रिफॉर्म्स करनी है या नया इदारा खड़ा करना है, दोनों सूरतों में बहरहाल ये करने का काम पार्लियामान का है। कोई वजीर आजम इसका इख्तियार नहीं रखता, कोई सदर इसका इख्तियार नहीं रखता। और आपने देखा है कि पूरी बहस चलिए 2018 से लेके अब तक के नैब के कवानीन करप्शन से, करप्शन को जिस तरह से हैंडल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा लेकुनाज हैं, तो होपफुली उन लेकुनाज को भी एड्रेस किया जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से जो बहस रही है। देखें, अब तो पाकिस्तान में ये सब लोगों ने इस बात को देख लिया है कि नैब के कानून में तरमीम ना करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसकी विक्टिम रही हैं, ठीक है, और ये विक्टिमाइजेशन के लिए, एक दूसरे को ऑप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो अगर मुल्की मफादात में काम कर रहे हैं, जहां ये कह रहे हैं ना हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट का एजेंडा है, और शायद हकान भाई साहब की बात है तो मैं इसलिए थोड़ा सा, उन्होंने तो कहा ना कि हम बिल्कुल इसको डिसॉल्व कर देंगे और जिन लोगों ने इकदाम किया उनका एहतसाब करेंगे, और वो एक इंटायरली डिफरेंट एक पोलिटिकल सिनेरियो है। जी बहुत शुक्रिया इमरान शफीक साहब, हमें ज्वाइन कर रहे थे, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन, मुझे सहर कामरान ने ज्वाइन किया जो सेनेटर हैं, और शज़ा फातिमा ख्वाजा रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने मुझे ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक क्लिप सुनवाती हूँ आपको जो आज खाकान अब्बासी ने कहा, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो केस है वो चले और अदालतों में कैमरे लगे और पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए कि कौन सी करप्शन हुई है। लेकिन आज नैब का सिर्फ एक हल है कि इसको ख़त्म करके इसके जो एहलकार हैं जिन्होंने लोगों को लूटा है, जुल्म किए हैं, वो उनका एहतसाब किया जाए। ये नैब का चेयरमैन वो आदमी है जो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्ज़े में था, इंस्ट्रक्शंस लेता था, एक वज़ीर इमरान खान के दफ्तर में बैठा हुआ था जिनको अहकामात जारी करता था किसको गिरफ़्तार करना है, किसकी बेइज्जती करनी है, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, किसके खिलाफ झूठे मुकदमे बनने हैं। जी सर, मैं आपसे पहले सवाल करूंगी कि आप समझती हैं कि इस वक्त ऐसी पोजीशन में है हुकूमत कि वो, कि उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि नैब को डिसॉल्व किया जाए और
नैब की रियलिटी जो कि ऑलरेडी कोर्ट के डिसीजन के थ्रू भी पता है, उसको मजीद एक्सपोज करने की जरूरत है? आपको लगता है कि दिस इज पॉलिटिकली करेक्ट राइट नाउ? देखिए, मैं नहीं समझती कि अभी किसी भी इदारे को डिसॉल्व करने की कोई बात हो रही है। जहां पे जो चीजें हैं वो रेक्टिफाई करने की जरूरत जरूर है। आप ये देखें कि जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया सिर्फ किरदार कशी के लिए, इंतकाम के लिए, सीनियर सियासी रहनुमाओं को खवातीन समेत जो है वो जेलों में डाला गया उन केसों के नाम पे जो कभी किसी अदालत में प्रूफ नहीं हुए। ठीक है, नैब जो है वो एक इंतकाम का इदारा बन गया। आप ये देखें कि नैब के चेयरमैन एक वीडियो स्कैंडल पे कॉम्प्रोमाइज हुए और एक वीडियो स्कैंडल पे कॉम्प्रोमाइज होके वो इमरान खान साहब की एक कठपुतली टूल बन गए। और जिस किस्म का हमने ये देखा है कि जिस किस्म का रवैया, जिस किस्म के केसेस, जिस किस्म की किरदार कशी, वो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा जो है उसके ऊपर अफसोस और उसको काले जो है वो दौर के नाम पर याद किया जाएगा। अब वक्त जरूर आ गया, मैं तो समझती हूँ कि एक अकाउंटेबिलिटी नैब की भी होनी चाहिए, नैब चेयरमैन की भी होनी चाहिए कि अगर आपने अपने इख्तियारा से तजावुज किया, अगर नैब, लेकिन आप ये प्रायोरिटी पे करेंगे? मेरा सवाल ये, होनी तो चाहिए तो आप पहले भी कह रहे थे, लेकिन ये आप प्रायोरिटी पे करेंगे? क्योंकि वही नैब चेयरमैन है जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की मुशावरत के बाद लगाए गए थे, रिकमेंडेशन भी आई थी बाद में, आप लोगों ने कहा कि गलती हो गई, लेकिन अब तो जी पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने नैब के चेयरमैन को किसी वीडियो स्कैंडल पे ब्लैकमेल नहीं किया था। पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने नैब के चेयरमैन को डिक्टेट नहीं किया था। पीपल्स पार्टी ने एक इदारे के लिए एक जो है वो चेयरमैन मुंतखब किया था कि उसको आजादाना चलाए। ये नहीं कहा था कि आपको एक वीडियो स्कैंडल पे कॉम्प्रोमाइज कर देंगे और आपका वीडियो स्कैंडल ऐसा होगा कि उसके बाद आप कठपुतली बन जाएंगे। तो मैं ही समझती हूँ प्रायोरिटीज डेफिनेटली मुल्क के ऊपर इस वक्त इतने चैलेंजेस हैं। प्रायोरिटी जो है वो इकोनॉमी है, प्रायोरिटी जो है इस वक्त आवाम को रिलीफ है देना है, प्रायोरिटी आपके जो खारजा ताल्लुक तब तक खराब हो चुके हैं उनको दुरुस्त करना है। ठीक है, आप मेरे साथ ही रहिएगा। शिजा, आप मुझे बताइएगा कि ये जो बयान सामने आया है ये बस एक सियासी बयान है जो, या वाकई नून लीग के अंदर इस तरह की ख्वाहिश मौजूद है? क्योंकि हमारी अब एक एक्स प्रोसिक्यूटर नैब से बात हो रही थी जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान के ऊपर एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान कुछ ऐसे पैक्स का हिस्सा है जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा एहतसाबी इदारा होना लाजम है। तो क्या आप जहाँ पे जिस सूरत हाल में आपको हुकूमत मिली है, जिन चैलेंजेस के साथ मिली है, आपको लगता है कि आप इसको डिसॉल्व करने की पोजीशन में हैं और कोई ऐसा बेहतर मुतबादल सामने ला सकते हैं? क्योंकि एहतसाब का अमल भी तो साथ साथ चलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि जहाँ तक नैब की बात है, नैब का जो लॉ है एक तो ब्लैक लॉ, और ये हम कई दफा तस्लीम कर चुके हैं कि हमें जब पीपल्स पार्टी कहती थी हमें इसको तभी खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको बड़ा बेसिक एक लॉ का प्रिंसिपल है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, एंड जो इनोसेंट जो जिसका ओनस होता है प्रूव करने का वो अक्यूजर पे होता है। अब मैं आपसे इल्जाम लगा दूं, मनारे पाकिस्तान आपका है, नैब कहेगा कि आपने प्रूव करना है कि आपका नहीं, जी जी बिल्कुल नहीं कहेगा कि तुम प्रूव करो इसका जी। तो नैब लॉ जो है वो ब्लैक लॉ है अगेंस्ट द एसेंस ऑफ। तो फिर आप फायर कब करेंगे नैब चेयरमैन को? फायर कब करेंगे? अब बात ये है, देखिए बात मसला चेयरमैन का नहीं है, मसला लॉ का है। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती चीज है, ये इश्यूज हैं, ये इंस्टीट्यूशन हैं। अब वो लॉ के अंदर इंट्रेंच है। आप देखिए, अगर नैब के लॉ को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से एहतसाब खत्म हो जाएगा। नैब जो है उसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे परवेज मुशर्रफ ने बनाया था सियासी तोड़ जोड़ के लिए, और वो आज तक इसीलिए यूज होता रहा। हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, सियासी इंतकाम नैब को इस्तेमाल करके जो है हमसे लिया गया, हमारे लीडर्स को जेलों में डाला गया, और एक आने की करप्शन जो है सारी प्रोसिक्यूशन 4 साल। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये कि आप ये इसी 1.5 साल के अंदर करने की ख्वाहिश रखते हैं या बाद में जनरल इलेक्शन के बाद? आप बीच में ना गाते, मेरी बात सुन लो। बात यह है कि 4 सालों के अंदर एक आने की करेक्शन डिस्पाइट सारी प्रोसिक्यूशन इसके पास के नैब के थ्रू नहीं कर सके। एक स्टेटमेंट है आसिफ अली जरदारी साहब की जो मैं आप दोनों को सुनवाना चाहती हूं, अब आप तो सुने फिर मैं आपका रिएक्शन सुनूंगी। जी जी सुनाइएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट को लालू प्रसाद कहता है कि हम मियां साहब के साथ बिजनेस कर सकते हैं, वी कैन डू बिजनेस विद नवाज शरीफ।
तो मेरी तारीफ अगर वहां से आए तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा वो तो नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर मियां नवाज शरीफ पे ये इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं आई बिलीव इन इट। आप अगर फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखते, आप कुछ तीन साल से हम कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर रखें, आप किसी को हायर नहीं करते टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट इन वॉशिंगटन। आपको पता है वॉशिंगटन की लॉबी जो है स्मॉल लॉबी, तो आप क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आप किसी और को एडवांटेज दे रहे हैं ना। आप बाय डिफॉल्ट अगर एडवांटेज दे रहे हैं तो एडवांटेज किसको जा रहा है, इंडिया को जा रहा है ना। सर आपने सुना कि आसिफ अली जरदारी साहब की क्या राय रही है माजी में शरीफ फैमिली के हवाले से, तो ये बताइएगा कि आपकी कोऑर्डिनेशन आने वाले वक्त में स्मूथ रहेगी, ऐसे बयानात जब बार बार सामने आएंगे तो कुछ मुश्किलात भी पैदा हो सकती है, आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी की राय अब तब्दील हो गई होगी। देखिए हमने एक सबक जो है तारीख से सीखा है और एक शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा से सीखा है रिकंसिलेशन का। शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा जब सऊदी अरेबिया आके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिली, जिसके बाद एक मिसाल के जमहूरियत पे दस्तखत हुए, वो एक इब्तदा थी कि वक्त के साथ साथ हमने हमारे तहफात भी रहे, हमारी तलखियां भी रही और हमने उसके साथ साथ वो सीखा जो साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये जो इनके इंडिया के अंदर कॉन्टेक्ट है उस पर बिलीव करता हूँ और अगर मेरी तारीफ भारत से आएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे अगर आप मुकम्मल करने दें, मैं ये कह रही हूँ कि जो एक नारा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लगाया पाकिस्तान खप्पे का, वो पाकिस्तान के मफाद, नेशनल यूनिटी और इत्तेफाक का नारा था। हमारे तहफुजात रहे, हमारी पॉलिसियों पे जो है अदम एतमाद रहा, हम वो तमाम चीजें हैं तारीख का हिस्सा, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपनी तलखियों से, अपने तहफुजात से, अपने माजी से सीखा है। आज जो एक इत्तेफाक आपको नजर आया, मतलब मैं ये विटनेस किया है जो नेशनल असेंबली का इजलास है और ऐसे लग रहा था कि एक जो हार्मोनी जो पिछले साढ़े तीन चार साल के अंदर मिसिंग थी वो उसकी फिजा नजर आई है और आज जो है जिस तरीके से पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का एहसास है आज की सियासी क्यादत को, तो उनकी तरजीह सिर्फ पाकिस्तान है। हमारी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज है, अपनी अपनी मैनिफेस्टो है, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन एक चीज पे इत्तेफाक है, वो इत्तेफाक है पाकिस्तान। और मैं ये समझती हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर चलना है और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मुकम्मल सियासी क्यादत का इत्तेफाक है। पिछले जो है बार बार अगर हम ये स्टेटमेंट चलाते भी रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि वी आर मैच्योर इनफ टू लर्न फ्रॉम द पास्ट कि हमारी तलखियां अपनी जगह, लेकिन आज हमारे मुल्क को, हमारे वतन को एक जो है ऐसी क्यादत की जरूरत है, एक ऐसी जमहूरियत की जरूरत है जो पाकिस्तान के लिए अपने। ठीक है सर, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं शजा को भी शामिल करना चाह रही हूँ। शजा, आई होप आपने वो स्टेटमेंट सुनी आसिफ अली जरदारी की जो हमने चलाई, उन्होंने कहा कि ग्रेटर पंजाब की बात होती है और उन्होंने इशारा किया कि बिजनेस इंटरेस्ट हैं शरीफ फैमिली के इंडिया के अंदर और इंडिया से तारीफ आती है, वो तारीफ हो अब मेरी होती तो एक्सेप्टेबल ना होती, और ये ग्रेटर पंजाब की बात पे उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस से की। जब उनसे पूछा गया कि आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उन्होंने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मुझे यकीन है कि ऐसा ही है। इतनी बड़ी बात के बाद फिर PDM बना, फिर ये हुकूमत बना जिसमें 11 जमातें हैं और उसमें से जो आपकी दूसरी बड़ी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है वो माजी में आपके बारे में ये राय रखती हो, तो आप इस आपको इस बात की यकीन दहानी कैसे है कि आने वाले वक्त में सियासी इस्तेहकाम होगा? देखिए बात ये है कि जब आप एक पॉलिटिकल करते हैं अलायंस, इसका ये मतलब नहीं होता कि सारा कहा सुना माफ, का ये मतलब नहीं होता कि हम जो है हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक हो गई है। पॉलिटिकल अलायंसेस सारी दुनिया में होती हैं, बनती हैं, टूटती हैं, पॉलिटिकल अलायंसेस फ्लूइड होती हैं, एक मकसद के लिए बनती हैं और इस वक्त मकसद जो था एक जो एक लार्जर प्रॉब्लम थी पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान की सूरत में जो मुसल्लत थी उसको हटाना था ताकि पाकिस्तान जो पिछले चार सालों में जिस तरह मौशी बहरान में गिरा और जो हमने पिछले चार सालों में इस गरीब का यहाँ पे मरते उसकी भूख में इजाफा, इस मुल्क के अंदर बच्चे स्कूलों से उठ गए, जो हमने शिजा एक सवाल करने का मौका दीजिएगा। शिजा आप ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं होता कि कहा सुना माफ हो जाए,
कुछ चीजें रहती हैं, लेकिन सहर की ओपिनियन बिल्कुल ऑपोजिट है। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ भुला के आगे बढ़ गए हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें भूली नहीं जा सकती। मुझे आप मुझसे बात मुकम्मल करने देंगे, मैंने सहर की बात सुनी है जी, मैं उस तरफ आ रही। तो ये देखें इस चीज को, ये जब हम इकट्ठे हुए हैं कि इमरान खान को हटाना है, हम लोग ये मकसद ये था कहने का कि एक कोई हमारी ये नहीं होता आइडियोलॉजीज अलाइन कर जाती। बात ये होती है कि ठीक है हमने 90s की सियासत से हमने बहुत सीखा है, हमने ये सीखा कि हमने जब अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से गिराई गई पार्लियामेंट तो किस तरह जो है वो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डेमोक्रेटिक तरीके से जो है वो एक वजीर आजम उतरा, वो इसीलिए था कि हमने पिछली बातों से सीखा और हम सारे मिलके उन चीजों से सीख के हमने डिसाइड किया कि हमने उस तरह की सियासत में दोबारा नहीं पढ़ना और हमने आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल हम एज पोलिटिकल पार्टीज भी इवॉल्व किए हैं और एज ए सिस्टम भी जो है मेरे ख्याल से हम इवॉल्व किए हैं कि हम डेमोक्रेटिक मीन से जो है एक वजीर आजम को हमने और जो माजी में बेनजीर की ओपिनियन थी नवाज शरीफ के बारे में और जो रिसेंट पास्ट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शरीफ फैमिली के बारे में स्टेटमेंट्स दी और जो रिसेंटली आसिफ अली वो अब सब नहीं है, वो अब सब नहीं है। बात ये है कि इस तरह बात निकालना शुरू करेंगी तो इमरान खान जो है वो उनको चपरासी कहता था, किसी को डाकू कहता था, किसी को कुछ कहता था और जाके साथ मिलके बैठ गए। देखें सियासत जो है उसमें दरवाजे खुले रहते हैं, सियासत के अंदर इस तरह की जंगें नहीं होती कि उधर मुंह करके नाराज होकर बैठ जाओ। सियासत इसी चीज का नाम है, सियासत जो है आर्ट ऑफ पॉसिबल है, इसमें पॉसिबिलिटीज टेबल पे बैठ के निकलती हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने माजी से सीखते हैं। हमारे अपनी जाती माजियों में कितनी ऐसी बातें हैं जो हम किसी के खिलाफ कर देते हैं, तो ये तो नहीं होता कि वो सारी जिंदगी आपके साथ जो है वो आप लेबल लगा के आप लोगों से रिश्ते नाते खत्म करके बैठ जाए। ये पॉलिटिक्स है, सियासत है। आम जिंदगी में भी इंसान जो है वो बेहतर तरीका यही है कि अगर पीछे बात हो गई तो आप अगर आपको लगता है कि वो चीजें जो है वो आगे आप उनसे निकल सकते हैं, ठीक है, गेट ओवर देम, यू कैन मूव ऑन। ठीक है, शिजा, एक और सवाल आपका जवाब आ गया मेरे पास। एक और सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि ऐसी भी खबरें कि पीएमएलएन के अंदर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन जल्दी हो जाए क्योंकि फिर गवर्निंग का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो क्या? देखिए जनरल इलेक्शंस की जहां तक बात है फिलहाल तो अक्टूबर तक नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, उन्होंने पूरी डिलिमिटेशन करनी है, हो सकता है सेंसस भी करें और जो ये जो ये क्या है इमरान खान की हुकूमत जो है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म तोड़ के गई है उसके मुताबिक इनको सेंसस भी करना पड़ेगा, इनको डिलिमिटेशन पूरी दोबारा करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मुझे लगता है कि शायद अक्टूबर तक भी ना हो सकें। तो ये थोड़ा सा सिचुएशनल बात है कि कब जनरल इलेक्शन पॉसिबल हैं, कब होने चाहिए। अभी एक दिन भी नहीं हुआ गवर्नमेंट बने हुए, अभी तमाम तरीके की ब्रीफिंग्स मिल रही हैं तो हालात को देखते हुए पाकिस्तान को स्टेबल भी करना है। खाली हुकूमत मकसद नहीं था, मकसद यही था कि थोड़ी सी इस मुल्क की इकोनॉमी में थोड़ा इससे काम आए, थोड़ी हम जो लोग हैं जो हालात हैं इस मुल्क के जिस तरह लोग बेचारे गुर्बत में फंसे हुए हैं उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाए। तो अब देखते हैं कि ठीक है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ इमरान खान की एहतजाजी सियासत के हवाले से जो अब वो शुरू कर चुके हैं। पहले सहर आपसे मेरा सवाल है कि आप समझती हैं कि इमरान खान जो कर रहे हैं उसकी वजह से वो रेलेवेंट तो रहेंगे, वो जिस तरह से क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं खबरों में भी रहेंगे, मीडिया की अटेंशन भी उनकी तरफ होगी, तो वो एक कॉन्स्टेंट प्रेशर और एक कॉन्स्टेंट मोमेंटम रखेंगे आपको प्रेशर में रखने के लिए? देखिए मुझे इमरान खान की जो है वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन इमरान खान ने माशरे में जो पोलराइजेशन और जो नफरत के बीज बोए हैं उसके लिए पाकिस्तानी कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। हम हमेशा जो है वो सुनते थे पढ़ते थे कि आज जो है वो जंग के तौर तरीके बदल गए हैं, आज जो है आप बमों से हमला नहीं करते, आप लश्कर की चढ़ाई नहीं करते, आप मुल्कों की जो माशरे हैं उनके अंदर इंतशार फैलाते हैं, डिवाइड लेकर आते हैं, नफरतें पैदा करते हैं ताकि जो है वो एक नफरतें पैदा करते हैं ताकि माशरों में इंतशार हो और मुल्क को नुकसान पहुंचे। इमरान खान साहब ने इतनी नफरतें फैला दी हैं, इतना इंतशार पैदा कर दिया है। आप जरूर एहतजाज करें, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, आप अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग करें, मगर इमरान खान साहब अब लोगों पे हमले मत करवाएं। इमरान खान साहब आप इदारों को गाली गलौज ना करें,
इमरान खान साहब आप एक इस तरह की सही मेरा आपसे आखिरी सवाल है फिर मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने। माजी में एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट आता था पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जो अपोजिशन है पीपल्स पार्टी ज़्यादा अच्छी करती है और बहुत ज़बरदस्त करती है, लेकिन अब ये कॉम्प्लीमेंट पीटीआई की तरफ जा रहा है कि पीटीआई ज़्यादा अच्छी अपोजिशन बन के सामने आ सकती है। देखिए मैं अपोजिशन और जिम्मेदार अपोजिशन बन के सामने आए तो दोबारा ये कहूंगी कि नफरतों के बीच मत बोए, दोबारा ये कहूंगी कि इदारों पे हमले ना करें, दोबारा ये कहूंगी कि माशरे को डिवाइड ना करें, दोबारा ये कहूंगी कि लोगों को प्रोवोक ना करें कि किसी की इज्जत और। लेकिन फिर क्या आप लोग जल्दी पार्लियामेंट्री प्रोब करवा रहे हैं फॉरेन कॉन्स्पिरेसी पे जिसको रिपोर्ट? ये जो है फौरी तौर के ऊपर जैसे ही इलेक्शन हुआ है खत्म, पहली तकरीर के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो एक सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और इस पर प्रोब होगा। और मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान की खारजा ताल्लुकात को और फॉरेन ऑफिस को अपने जाती जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे कुर्बान किया है वो भी उसका भी एहतसाब होना चाहिए, ये देखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो एहतसाब तो आप लोगों ने खुद करना है, अब आपके पास मेरा ख्याल होना चाहिए कि ऑप्शन नहीं है, अब करना आप लोगों ने खुद ही है। जी बिल्कुल, यू हैव टू कॉल द शॉट्स। मैंने बताया ना कि इसका पहली उस पे तकरीर में ऐलान कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इट इज बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।